सब्सक्राइब कीजिए शूटर टेक्नोलॉजी को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुजाहिद और आप देख रहे हैं शूटर टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज आप लोगों को एक ऐसे ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे हम अपने खुद के नाम का सॉन्ग बना सकते हैं, ऑडियो बना सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, खुद की पिक्चरों पर भी बना सकते हैं, और उसके अलावा अगर हमने किसी को बर्थडे विश करना हो तो उस पर भी हम सॉन्ग बना सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन सा ऐप और किस तरह से काम करेगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ये ऐप मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके अलावा आप प्ले स्टोर से भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुछ, मैंने इसको ओपन कर लिया, पहले मैंने थोड़ा सा इसको यूज़ करके टेस्ट किया था ये किस तरह वर्क करता है, तो मैंने इसको साइन इन कर लिया है। आप इसको जब आप इसको ओपन करेंगे तो साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन अप का ऑप्शन भी आएगा और स्किप का भी आएगा। अगर आपको आप इसको साइन अप कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी प्रोफाइल है, मैंने इसको साइन अप कर लिया है। तो हम इसको यूज़ कुछ इस तरह करेंगे, यहाँ पर प्लस का निशान है, इस पर मैं दबा लेता हूँ। तो इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं अपना नाम, जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शूटर टेक्नोलॉजी लिख देता हूँ। तो उसके अलावा ये यहाँ पर आप टॉप पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैं ओके करता हूँ तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी, यहाँ से हम सॉन्ग सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। मैं ये वाला ले लेता हूँ, तो यहाँ से इसको नेक्स्ट करते हैं तो देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह करके प्ले हुआ है। उसके अलावा हम इसको लैब अपने मोबाइल की लाइब्रेरी में भी जा सकते हैं, यहाँ से हम कुछ पिक्चर्स या किसी वीडियो पर भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये वाली वीडियो है। इसके अलावा हम कोई पिक्चर भी ले सकते हैं। इस तरह से हम पिक्चर्स पर भी लगा सकते हैं, कुछ भी लिख कर अपने नाम का लिखना हो तो यहाँ से सॉन्ग, तो मैंने ये लगाया था, आप कोई भी यहाँ से लगा सकते हैं। उसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम इसी को नेक्स्ट करते हैं तो ये नीचे रिकॉर्ड का ऑप्शन है, हम इसको लाइव रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा हम GIF पर आ जाते हैं, यहाँ से हम GIF को ओके कर लेते हैं। जी ये वीडियो कुछ इस तरह बन जाती है, अगर जिस तरह का आप नेम लिखेंगे उस तरह की ये वीडियो खुद ब खुद एडिट कर लेता है ऑटोमेटिकली। अभी ये शूटर के नाम से तो उस तरह की वीडियो बन चुकी है, यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं, न्यू पे दबाएंगे दोबारा तो फिर एक नई वीडियो आ जाएगी यहाँ पे। ये देखिए कुछ इस तरह करके हम यहाँ से इसको बार बार चेंज, जो हमें अच्छा लगा हम उसको ले सकते हैं। तो यहाँ से हम अगर हमने इसको सेव करना था, ये आप टॉप पर देख सकते हैं, यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सेव प्राइवेट, यहाँ से मैं इसको सेव प्राइवेट कर लेता हूँ। ये सेव हो चुका है, यहाँ पर प्राइवेट में ये सेव हो चुका है। इससे पहले मैंने जब इसको टेस्ट किया तो मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं इसको भी। ये इस तरह काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाता है, एक मैसेंजर की तरह भी काम करता है। आप देख सकते हैं टॉप पर है, फॉलोवर्स है और फॉलोइंग का ऑप्शन आता है। और इसके अलावा आप इसको यहाँ पर कोई भी वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं, खुद की पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हैं। टॉप पर प्लस का देख सकते हैं, प्लस का निशान है, यहाँ से हम फ्रेंड्स को ऐड भी कर सकते हैं, फेसबुक फ्रेंड को, ट्विटर फ्रेंड को, और इस ऐप में जो लोग साइन इन हुए हैं उनको भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग ऐप है, इससे हम वीडियोस भी बना सकते हैं अपने नाम की और इसको एंजॉय भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ऐप पसंद आया होगा, अगर आपको ये ऐप पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। तो हमें याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।